अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है दाल के फुग्गे। यह है चना दाल के फुग्गे। इसे 6 घंटे तक भिगो के रखिए। पहले दाल को अच्छे से धो लेने के बाद इसे अच्छे पानी में 6 घंटे भिगो के रखिए और 5 विजल्स आए तक इसे ना गला देना है थोड़ा पानी डालकर। 5 या फिर आपको जितनी चाहे उतनी विजल्स लगाइए। देखिए ऐसे गल जाना चाहिए। ये माश का आटा है, उड़द दाल बोलते हैं ना उसका आटा है ये। 2 बड़े टेबलस्पून चावल का आटा, थोड़ा बेकिंग सोडा खाने का सोडा है ये, थोड़ा नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से बैटर बनाइए। इसका बैटर ना ही ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा उतना पतला नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर हमने ना चने की दाल को मैश कर लिया है मैशर से और हम डालेंगे 1 कप चीनी। इसे ना मीडियम फ्लेम में अच्छे से पका लेना है, ना स्टर करते रहना है नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। यहाँ पे हम लेंगे इलायची, इलायची को कूट लेंगे और उसके बीज निकाल कर और अच्छी तरीके से इसे मैश कर लेंगे और इसमें ना वो बीज ऐड कर लेते हैं। देखिए इसे स्टर करते रहिए, स्टर नहीं करेंगे तो ये नीचे से जल जाएगा और इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब हम डालेंगे कढ़ाई में ऑयल। ये ऑयल अच्छे से हीट हो जाने के बाद ना देखिए ऐसे फर्स्ट में ना हमें चने की दाल का गोला लेना है और इसमें डिप कर कर ना ऑयल में फ्राई कर लेना है। देखिए 2 साइड्स भी अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद ना इसे ना निकाल ले और ये ना बहुत 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 ही मज़ेदार था। आप इसे स्टोर कर कर भी रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं इसे। ये ना बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और यम्मी था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।